बहुत पढ़ा है? अच्छा लेंथ, अच्छा ठीक है। एसी स्टार्ट करते हैं, एसी अल्टरनेटिंग करंट्स। और क्योंकि मैंने बता दिया कि जो स्ट्रेटजी है थोड़ी चेंज की थी लास्ट 7 डेज से, तो ईएमआई का की ऑब्जेक्टिव शीट बंद की हुई है, आपने नोट किया होगा, ना एसी की दी है, सिर्फ एनसीईआरटी चल रहा है अभी के लिए, वो भी इसलिए क्योंकि सितंबर से एग्जाम स्टार्ट है। जैसे ये चैप्टर क्लोज होगा, विद इन 3 लेक्चर्स क्लोज हो जाएगा एनसीईआरटी वाला पार्ट इसका, तो 3 लेक्चर के बाद चौथा लेक्चर ईएम वेव्स का होगा, उसके बाद स्टॉप, फर्स्ट वॉल्यूम क्लोज, फिर वापस ईएमआई पे आएंगे, आपके एग्जाम चलने देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहीं से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि आपने ईएमआई और एसी तो कर ही लेना है अभी इस हफ्ते, तो आपको आता भी होगा, तो फिर वापस से ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन फिर इसको वापस करेंगे, राइट, ईएमआई का और फिर एसी का। ठीक, तो मतलब मैं पहले ही बता दूं कि अगर कोई ये कहे कि मैं घर में क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ एसी के और ईएमआई के कॉम्पिटिशन बेस, तो मेरे से हो नहीं रहे, तो 50% क्वेश्चन हो पाएंगे जो बेसिक के होंगे, बाकी सेकेंड राउंड में ही कंप्लीट होंगे, मैं शीट्स दूंगा आपको, वहां से होंगे। तो एसी स्टार्ट करते हैं, एसी एक आसान चैप्टर है, अल्टरनेटिंग करंट्स। ध्यान आगे, अल्टरनेटिंग करंट्स के अंदर बेसिकली क्या करना है, हमारे घरों में जो सप्लाई आ रही है करंट की या वोल्टेज की, वो अल्टरनेटिंग है, क्योंकि डैम पे डायनेमो लगा हुआ है, वो डायनेमो मूव करता है या उसकी कॉइल मूव करती है, तो अल्टरनेटिंग करंट्स जनरेट होते हैं। हमने अपनी कंस्ट्रक्शन में भी सीखा था एसी डायनेमो, तो एसी डायनेमो के अंदर वोल्टेज साइनोसाइडल या फिर साइन वेव की तरह प्रोड्यूस होती थी, और वो अपनी वैल्यू को भी चेंज करती है और अपनी डायरेक्शन को भी चेंज करती है। मतलब अगर आपके पास लेट अस सपोज कोई एक वायर है, वायर में मान लो आपके पास करंट है, तो अल्टरनेटिंग करंट कैसे जाएगा, तो वायर में करंट मान लो पहले इधर जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, मान लो मैक्सिमम करंट 5 एम्पियर है एसी का, फिर 5, 4, 3, 2, 1, फिर अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 0, क्लियर यहां तक? तो मींस अल्टरनेटिंग करंट अपनी वैल्यू को भी और अपनी डायरेक्शन को भी हर वक्त क्या करता है, चेंज करता है। तो पहला टॉपिक ये बनता है कि मान लो कोई मेरे से ये पूछे कि सर ये वायर जा रही थी, इसमें ना कौन सा करंट आ रहा है, क्या बैटरी से, आप बैटरी से करंट प्रोड्यूस किया? नहीं, मैंने कहा बैटरी से नहीं है, डिपार्टमेंट से आ रहा है या पीछे डैम से आ रहा है, तो यानी कि अल्टरनेटिंग आ रहा है। मैंने कहा हाँ अल्टरनेटिंग आ रहा है। तो पूछते हैं कि बताओ इस वायर में कितना करंट है अभी। अब मैं उसे क्या समझाऊं कि देख इसमें 5 एम्पीयर का करंट, अगर मैं बोलता हूँ 5 एम्पीयर का करंट है, वो सोच लेगा कि कॉन्स्टेंट करंट है, और कैसे समझाऊं कि इसमें करंट पहले इधर जा रहा है इंक्रीजिंग 0, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 0, फिर इधर जा रहा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो उसने कहा ये बताओ कि अभी कितना करंट है, अब जितनी देर में मैं बताऊंगा उतनी देर में तो करंट चेंज ही हो जाएगा। तो ये तो वही सिचुएशन हो गई जैसे एक मैच चल रहा है और किसी ने पूछा कि मैच की क्या क्या जो है इसका क्या सिचुएशन है अभी। तो मैंने कहा एक 50 ओवर का मैच है, उसने कहा कैसा रहा, मैंने कहा बढ़िया रहा, कहता कैसे समझाओ कितना क्या स्कोर कैसा रहा, मैंने कहा पहली बॉल में बैट्समैन ने कुछ नहीं किया, दूसरी में भी कुछ नहीं किया, तीसरी गेंद चौका मार गया, चौथी में 2 रन हो गए और 5वीं में आउट हो गया, फिर 6वीं बॉल आई, फिर नेक्स्ट ओवर आया, 300 बॉलों में मैंने ऐसे बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा बस रहने दे, मैं मैच देख ही लूंगा उससे अच्छा, तो क्योंकि इतनी बड़ी क्या इतना बड़ा मैच कौन सुनेगा। फिर दूसरा बंदा गया, वो कहता रहने दे ऐसे बोल, एवरेज 6 की चाहिए, बस 6 की एवरेज निकली। हाँ अब मुझे समझ में आया कि 300 रन के आसपास चाहिए होंगे, बात समझ में आ जाती है। ठीक, तो हमारा काम आसान हो गया। तो यानी कि इंस्टेंटेनियस में काम करना मुश्किल है, हर बॉल पे काम करना मुश्किल है कि क्या स्कोर हुआ, लेकिन एवरेज के साथ अपनी कैलकुलेशन करना हमारे लिए इजी है। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, क्लियर है? तो सबसे पहला काम एसी के अंदर पता है क्या बनता है, क्योंकि हमने कैलकुलेशन भी करनी है, हमने ओम लॉ भी लगाना है, अगर हम करंट में ही उलझे रहेंगे फिर कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या होगा, हम क्या निकालेंगे आज, एवरेज करंट, कि एसी करंट तो हर वक्त चेंज हो रहा है पर हम निकालेंगे एवरेज करंट, क्लियर है, ताकि हमारी कैलकुलेशंस क्या हो जाएं, इजी हो जाएं और हमारे रिजल्ट्स भी खराब ना हो, वही रिजल्ट आए जो एक्चुअल में एसी ही प्रोड्यूस करता है, लेकिन काम इजी कांस्टेंट करंट के साथ काम करना चाहते हैं। क्लियर, कोई डाउट इधर से बोलो, हो रहा है पूरे, वो ऐसा रहा है, अच्छा ठीक है। वो सोच इमेजिन नहीं कर पा रहा कि करंट घरों में कैसे आ रहा है,
ऐसे आ रहा है, ध्यान से देखना। ये डैम है जहां से बिजली बनी, डैम से जो बिजली बनी वो बाहर निकाली गई थ्रू सम रेजिस्टेंस, तो वहां एक ट्रांसफॉर्मर लगाया गया। ये ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर के यहां वाइंडिंग घुमा दी, फिर एक और वायर ली दूसरे ट्रांसफॉर्मर में ऐसे लगा दी। ये देखो, तो डैम अपना सर्किट कंप्लीट कर रहा है डायनमो के साथ, वो तो अपना सर्किट कंप्लीट करता जा रहा है, तो बाय म्यूचुअल इंडक्शन यहां तक इसमें करंट पैदा हो गया, इसने इस ट्रांसफॉर्मर तक, फिर यहां से नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मर तक, ये ऐसे घूमता है। तो डैम में करंट कैसे प्रोड्यूस हो रहा था, एक बार ऐसे और एक बार उल्टा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके अंदर भी करंट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इसके अंदर भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। यहां पे हमारे घर लगे, घर बने हुए हैं बहुत सारे, ये रे ट्रांसफॉर्मर के बीच में। तो हमारे घरों में से पूरा ट्रांसफॉर्मर टू ट्रांसफॉर्मर सर्किट कंप्लीट होता है। तो एक ट्रांसफॉर्मर जितने घर आते हैं सबके वहां बिजली जा रही है, दूसरे ट्रांसफॉर्मर से पहला ट्रांसफॉर्मर, फिर वापस जा रही है, और एक सेकंड में 50 बार ऐसे हो रहा है सारे घरों में, इतनी तेज करंट जा रहा है। तो मतलब तेज तो क्या ही जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन तो हल्का सा हिलता है, डायरेक्शन ही चेंज करता है, पर इस तरीके से ट्रांसफॉर्मर टू ट्रांसफॉर्मर घूमती है। बीच में जो मर्जी फिट कर लो, तो उसमें पूरे घर के अंदर ही पास हो जाती है और वापस चली जाती है, इस तरीके से। पॉइंट समझ में आ रहा है, पर ये प्रोसेस बहुत फास्ट है ना, तो दिखेगा नहीं आपको, एक जैसे ही दिखेगा इसमें, कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहां तक? तो इसके अंदर अब जो हमने एवरेज करंट निकालना है, लेकिन उससे पहले एक और चीज क्लियर कर दूं कि जो करंट डैम पे बन रहा है थ्रू डायनमो बन रहा है, थ्रू डायनमो बन रहा है, डायनमो हमने सीखा था कि कैसे काम करता है। तो उसमें कॉयल होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन होती है और वो घूमती जाती है, तो फर्स्ट साइकिल सेकंड साइकिल, और नीचे करंट कभी इधर, और याद करो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करवाया था, ईएमएफ जो बाहर आती है वो क्या आती है, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमने प्रूव किया था, ई इज ई नॉट साइन ओमेगा टी, राइट? तो कोई कहता है सर सिर्फ साइन ही निकलती है, नहीं, साइन की फॉर्म में जरूरी है, ऐसा नहीं है। आपकी कॉइल की ओरिएंटेशन डायनमो में ऐसी रखी गई थी जो हमने की थी मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो साइन निकलती है। लेकिन अगर ऐसे शुरू होगी डायनमो, अगर मान लो कॉइल ऐसे पड़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, और फिर आप उसको घुमाना स्टार्ट करेंगे, तो आपका करंट कॉस की तरह निकलेगा। तो मेडिकल वालों के लिए बता दूं, साइन थीटा का कर्व मैथ्स में ऐसा होता है, कॉस का यहां से स्टार्ट होता है, ऐसा होता है। तो ये डिपेंड करता है आपकी डायनमो में कॉइल कहां से स्टार्ट हो रही है और कैसे साइकिल कंप्लीट कर रही है, आपकी वेवफॉर्म कैसे भी चेंज हो सकती है। पर हम इतनी कॉम्प्लिकेशन में नहीं पड़ेंगे कि डायनमो की ओरिएंटेशन क्या थी, वेवफॉर्म कैसे था, हम स्टैंडर्ड इसी को लेके चलते हैं जो हमने डायनमो बनाया था, उसमें ईएमएफ क्या थी, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये सिर्फ इसलिए लिखा आपको समझाने के लिए कि देखो इसके अंदर कॉस थीटा का ग्राफ भी बन सकता है, वो बनेगा नहीं बनेगा वो बात अलग है, पर चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन हम नहीं बनाएंगे, हम साइन के साथ काम करेंगे, राइट? उसी तरीके से करंट है, करंट भी या साइन की फॉर्म में होगा या फिर कॉस की फॉर्म में होगा, या साइन थीटा की फॉर्म में निकलेगा या कॉस की फॉर्म में, डिपेंड करता है कि आपकी कॉइल कैसे पड़ी हुई है, इनमें से कुछ भी हो सकता है, ये ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है, पर हम स्टैंडर्ड साइन थीटा ही लेके चलेंगे, ठीक है? यहां तक सिर्फ बताने के लिए है। अब स्टार्ट करते हैं मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू क्या होती है, ठीक? मीन वैल्यू, किसी ने कहा सर ठीक है एसी करंट कैसा है, मैंने कहा एसी करंट ऐसा है, ऐसा रिपीट होता जा रहा है,